पहले तो उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का, फिर उन्होंने किया है अपनी पीडीएफ प्रेजेंटेशन का। मेरे कोर्स के साथ आप मॉड्यूल्स पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड बड़ी खुशी की बात बतानी है आपको कि मेरा ना आ गया रिजल्ट मास्टर डिग्री का, जनवरी इनटेक 22 से 23 का। अभी देखें बारिश वगैरह हो रही है और मैंने अभी अभी अपनी सिक्योरिटी की शिफ्ट खत्म किया। ये देखें बारिश वगैरह चल रही है, सीन वगैरह चेक करें तो क्या चीज़ है। और मुझे ना आज ही तकरीबन अभी टाइम हुआ है 5:30 एंड 3:30 मुझे मेल आई है कि आपका जो है ना यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यू PSW। और अभी मैंने PSW भी अप्लाई करना है विद इन नेक्स्ट 2 weeks ओ वीक। तो अभी मैं आपको घर जाता हूँ, अपनी डिग्री दिखाता हूँ, क्योंकि वो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो आप पोस्ट के थ्रू मेल करवा दें, बिकॉज के वैन यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब यू नीड डिग्री एंड योर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड कर ली है, अब डिग्री आ गई है वो भी करूँगा, तो दैन देखते हैं। अब रिजल्ट जो है ना वो बड़ा मतलब किसी अच्छी मतलब पहले तो उन्होंने रिजल्ट रिलीज़ किया है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का, फिर उन्होंने किया है अपनी PDF प्रेजेंटेशन का, फिर उन्होंने रिजल्ट रिलीज़ किया आपका जो आपने रिसर्च की थी उसका। तो मतलब 3 steps में ना उन्होंने रिजल्ट जो है ना वहाँ रिलीज़ किया बर्मिंघम 3 स्कूल, उन्होंने मेरे सुपरवाइजर ने और मतलब जिसने भी पेपर चेक किया ना, मतलब 3 steps में पेपर जो है ना वो रिलीज़ हुआ। तो अब समझ नहीं थी लग रही कि कितने एवरेजली मार्क्स आ रहे हैं। वैसे तो जो परसेंटेज वो मैंने अपने अकॉर्डिंग टू चेक की थी ना, तो वो मेरे ना तकरीबन गुड मार्क्स माने थे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट। क्योंकि जो थी ना प्रेजेंटेशन वो 20% की थी, उसके बाद जो थी हमारी प्रपोजल 20% का था, उसके बाद जो था हमारा रिसर्च वर्क वो था हमारा 60% का। तो रिजल्ट तो जब आया है मैंने अपने अकॉर्डिंग टू मतलब अपनी कैलकुलेशन की ना, मतलब मेरा बन रहा था तकरीबन डिस्टिंक्शन पास और फेल, ये 3 कैटेगरीज होती हैं ना, डिस्टिंक्शन मेरिट एंड पास एंड देन फेल, ये 4 कैटेगरीज होती हैं डिग्रीज़ की। एक तो डिग्री नहीं ना होती, जो फेल है तो वो तो डिग्री में नहीं है ना, जिसकी क्लियर हो गई वो पास मेरिट और डिस्टिंक्शन में आ रहा है। तो अपने लिहाज से जब मैंने किया तो तब मैं सिर्फ इन द मिडल आ रहा था कि वो मैं मेरिट पर आ रहा था अभी, लेकिन रिजल्ट का ऑफिशियली अनाउंस नहीं था किया उन्होंने। अब देखें हम सारे मतलब आते हैं ना, जब एज अ फॉरेन स्टूडेंट्स हम अपने होम कंट्री से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स की रिलेटिव्स की वो सारे यही कह रहे होते हैं कि मतलब देखो कितना पढ़ने वाला बच्चा है जो ऐसे स्टडीज़ के लिए बाहर गया है, तो इंशाल्लाह उधर जाएगा भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जिनका मेन पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि वो उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना ही है, अपनी होम कंट्री से निकलना है, इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आना है और इधर आके बस सेटल डाउन होना है, पैसे कमाने हैं, मतलब ये उनका मेन मोटिव होता है। अब एट द वेरी स्टार्ट काफ़ी सारों को पता होगा कि जब मैं दिसंबर में आया था 2021 में, तो मैं सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट दे के आया था 3000, और मैंने जब आया था ना तो मेरी इनरोलमेंट के लिए मुझे तकरीबन 2800 pounds जो चाहिए थे इनरोलमेंट के लिए, वो मैंने सब में सबमिट कराने थे आफ्टर 2 months, तो जो कि बड़ा मुश्किल फेज था मेरी इस तरह स्टूडेंट लाइफ का। लेकिन ये है कि जब मैं आया था ना तब मेरा फर्स्ट मोटो यही था कि मैंने अपनी इनरोलमेंट पूरी करनी है, बिकॉज मैं कोई बड़ी कहते हैं ना सेटल्ड फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, और इधर आके मैं ये अफोर्ड नहीं था कर सकता कि मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करूँ कि मुझे पैसे भेजें ताकि मैं अपनी इनरोलमेंट करवा सकूँ। खैर पहले 10 दिन तो क्वारंटाइन में गुजर गए थे, बिकॉज उस दिन तो उस टाइम पे तो कोविड वगैरह वाला सीन था ना, उसके बाद जॉब ढूंढी, जॉब लग गई, 2-3 महीने गुजरे, जितनी सेविंग हुई वो की और साथ किसी से लोन ले लिया, इधर जो इस्लाम दो हो गए थे दोस्त बन गए थे उनसे थोड़ा थोड़ा लोन ले गए, तो मैंने वो इनरोलमेंट वाला किया। लेकिन उसके बाद भी मैं ढीला पड़ गया था, बिकॉज मेरा जो मोटो था ना मेन यही था कि मैंने अच्छे से अपनी स्टडीज़ पूरी करनी है, स्टडीज़ पूरी करने के बाद मैंने अपनी फील्ड में कहीं पे ना एम्प्लॉय होना है, या अगर तो फील्ड में गए तो ठीक है, अगर ना हुआ फील्ड में किसी भी तरह तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, कुछ ना कुछ करना है, खुद करना है जो कुछ करना, मतलब ये कोई मतलब सारी उम्र मैं नहीं चाहता कि मैं किसी टेक अवे पर ही काम करता रहूँ, किसी सिक्योरिटी की शिफ्टिंग करता रहूँ, या फिर मतलब मुलाजमत वाला सीन है ना, अच्छी बुरा नहीं है लेकिन इट्स गुड टू थिंक पॉजिटिव कि वो आप बंदा अपने स्टडीज़ किया, क्वालिफिकेशन आपके पास, यू गो ऑन योर फील्ड, अर्न गुड मनी एंड लिव्स बेटर लाइफ। तो यही चीज़ें हैं, तो मेरा मेन मोटो ये था, उसकी वजह से मैं क्या करता था तकरीबन जितनी मर्जी लंबी शिफ्ट होता था डेली आ गया था, पूरा घंटा जो है अपनी स्टडीज़ को भी देता था, प्रोजेक्ट्स शूट किए फिर। लेकिन ये है कि जो सब्जेक्ट कुछ सही समझ नहीं थी आ रही वो किसी से हेल्प भी ले ली, हेल्प लेके भी कर ली, लेकिन ये है कि डिग्री हो गई पूरी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका पास हो गया। मैं आपको बताता हूँ जो 3 कैटेगरीज है ना उसमें से पहले अब घर जाऊँगा, घर जाकर आपको पहले डिग्री खोल के उसके अंदर से बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में आपको मैं मतलब मेरी डिग्री
किस कैटेगरी में मेरी डिग्री है और बाद फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा भी कि उन्होंने जो मार्क्स है ना वो किस तरह डिवाइड करके उन्होंने बनाया कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी या ये बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये एवरी यूनिवर्सिटी आई थिंक इस तरह करती है, ये डिपेंड करता है आपके किस मॉड्यूल के कितने क्रेडिट्स हैं और कितने परसेंट हैं। तो चलें बाकी फिर मैं आपको घर जाकर दिखाता हूँ अपनी डिग्री एंड साथ वो सारी चीज़ें करता हूँ कि सब्जेक्ट के कितने कितने मतलब मेरिट और कितने कितने क्रेडिट्स होते हैं। तो जी घर में पहुंच गया था, कपड़े शपड़े मैंने बदल लिए हैं, ये देखें कपड़े मैं आ गए इधर अपने साइड पे फेंक देता होता हूँ ऐसे ही ये पड़े रहते हैं इधर, और भूख शूख मुझे लगी भी है, और खाना मैंने जो है ना हल्का फुल्का कर लिया था, वो क्या किया था थोड़ा सा उधर से लेके खा लिया था, और साथ ये मैंने थोड़े से काजू मेरे चेक करो साइड टेबल मेरा ऐसे ही गंदा पड़ा था, और पैसा चेक करो पैसा तो बहुत हो गया उधर, देखो तो सही तरह। खैर डैम ने रिसीव किया था मेरा वो जो है रिजल्ट मतलब मेरी डिग्री, तो वो कह रहा था कि मेरे रूम में सेकंड ड्रॉअर में पड़ा हुआ, तो अभी उसके रूम में चलते हैं उधर से वो लेके आते हैं और उसको खोलते हैं, फिर आपको मैं अपनी डिग्री दिखाता हूँ और साथ में आपको वो ग्रेड्स वगैरह वाली चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिग्री ले आए पहले, तो जी ये हमारी डिग्री वगैरह आई थिंक डिग्री हुई है होपफुली, पता नहीं कोई प्रैंक ना हो जाए मेरे साथ वीडियो के अंदर, ये चेक करें यूनिवर्सिटी ने हमारे से सिर्फ हमारे पे सिर्फ ये खर्चा किया है £1.22, बाकी सारा खर्चा ये सारा कागज़ जो है ना हमें पता है कितने का मिला है, तकरीबन £13,000 हमने दिया इस डिग्री का, ठीक है सर एजुकेशन भी हमने हासिल की है। चले अब इसको खोलते हैं, आई थिंक ओहो ये तो कुछ और ही है भाई, ऊपर उन्होंने बड़ा सा लिखा हुआ है डू नॉट बेंड, खैर साइड से काटते भी तो ये ऐसे ही होनी थी, ओहो खैर चलो इसको निकालो साइड पे करो, चेक करें आप माशाअल्लाह चेक करें आप डिग्री माशाअल्लाह, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि वीडियो में ना ये सही आपको नजर आ जाए, चेक करें बस आप शाह जी तुसी मोबाइल क्यों रोटेट करी जा रहे हो, मैं इंज करना कि चलो सही नजर आवे, इंज रखे जो इंज रखो। तो ये जी डिग्री है देखें ऑफिशियल, बड़ा चमकीला चमकीला लोगो इसके ऊपर लग रहा है, ये चेक करें आप, जब आपको ये डिग्री मिलेगी ना आपको भी मतलब ये पता चलेगा ये कितना चमकदार है, ये सही ओरिजिनल। खैर ये देखें लिखा हुआ है नीचे विद डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि फर्स्ट कैटेगरी में, बाकी चीज़ें सारी मैं बताता हूँ आपको। 2 मार्च को हमारा डिग्री उन्होंने रिलीज़ किया, 5 मार्च को उन्होंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया, और आज ही तकरीबन आज डेट क्या है आज 16 है, तो 16 को मुझे मेल भी आ गया कि आप अपना PSW अप्लाई करें, ये चेक करें ये सारे ग्रेड्स ऊपर दिए हुए हैं कि 20 क्रेडिट 67 20 57 20 74 20 80 ये सारे क्रेडिट्स हैं पास हैं, और इन सब की एवरेज निकालने के बाद उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के डिस्टिंक्शन लगी हुई है, ये सारे मेरे कोर्स के साथ आप मॉड्यूल्स पढ़ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई है, अवार्ड्स हमें मिल गए हुए हैं, बस अब अप्लाई कर रहे हैं, बस डिस्टिंक्शन भी ले लिया, पता नहीं अब जॉब कब मिलेगी, बस आप दुआ करें कि जॉब मिलती जॉब जल्दी से मिल जाए ना, तो फिर ज़रा सुकून हो जाए ज़िंदगी में ना, बहुत ज़्यादा सुकून हो जाए, सुकून ही चाहिए होता है बंदे को, पीसफुल लाइफ चाहिए होती है, इसीलिए तो बंदा इतना पढ़ता है इतने इन्वेस्टमेंट करता है और आ गए इधर आ गए इतने पैसे कमा गए इनको भी देता है और अपने सेटलमेंट होने की कोशिश में लगा रहता है, किस लिए सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए, बस दुआ करें अब आपके भाई की कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जॉब हो जाए, अच्छी पोजीशन पर जॉब हो जाए, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।